नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LSA लाइफ स्टॉक असिस्टेंट में। और आज मैं आपको LSA पशुधन सहायक से संबंधित और वेटरनरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पुलिस प्रशासन की रहेगी नज़र, झोलाछाप पशु चिकित्सकों पर होगी कार्रवाई। अर्थात जो झोलाछाप पशु चिकित्सक है, जिन्होंने बिना किसी डिग्री या डिप्लोमा के जो इलाज कर रहे हैं, वो उन झोलाछाप पशुओं पर अब पुलिस प्रशासन की नज़र रहेगी। तो हाल ही में सीकर जिले में झोलाछाप पशु चिकित्सकों पर अब प्रशासन व पुलिस की नज़र रहेगी। पशुपालन विभाग ने पशु चिकित्सा अधिकारियों से संबंधित क्षेत्र में झोलाछाप चिकित्सा से जुड़े लोगों का पता व मोबाइल नंबर मांगे हैं। इसके बाद सूची के अनुसार झोलाछाप चिकित्सकों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में तहसीलदार, थानाधिकारी को शामिल किया गया है। ये टीम झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाएगी। अर्थात जो झोलाछाप पशु चिकित्सक हैं, उनकी बस अब छुट्टी होने वाली है, और जो जिन्होंने डिग्री और डिप्लोमा कर रखा है, वो टेंशन फ्री हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हाल ही में कई ये जो झोलाछाप की गाड़ी पकड़ी गई है, वो पुलिस द्वारा बिना डिग्री और डिप्लोमा के डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में। फर्जी पशुधन सहायक की पुलिस ने की गिरफ्तारी। ये 5 जनवरी 2020 का है फोटो। गाड़ी पुलिस की है, पशुधन सहायक की गाड़ी है बाइक। दूध दोहने के आधे घंटे में 7 डिग्री ला सकेंगे तापमान। गौरव की बात है कि NDRI के स्टूडेंट रवि प्रकाश ने बनाया दूध ठंडा करने का स्वदेशी उपकरण। रूस में कृषि और खाद्य मंत्रालय की पहल। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गायों को पहनाया जा रहा VR सेट। इनमें हरी घास के मैदान दिखाए जा रहे हैं, जिससे गायों का मूड ठीक हुआ। घास के मैदान और टहलने की जगह नहीं मिल पाती। रूस में बर्फबारी ज़्यादा होती है, इससे आसपास की हरियाली नहीं होती है, इससे गायों को जैसा माहौल चाहिए वैसा नहीं मिलता। उन्हें हरे घास के मैदान और टहलने के लिए जगह नहीं मिलती, इससे दूध उत्पादन पर असर पड़ता है। इसलिए गायों का दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए उनको VR सेट पहनाया जा रहा है। केंद्रीय भेष अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने तैयार की जांच चिप। जीनोमिक टेक्नोलॉजी से गर्भ में ही अच्छे नस्ल की कटड़ा और कटड़ी का लगा सकेंगे पता। अर्थात जो इस टेक्नोलॉजी है जीनोमिक, इसके द्वारा पशु के गर्भ में जो कटड़ा और कटड़ी यानी कि काफ है, उसका पता लगा जाया जा सकेगा। पता लगाने के बाद बच्चे को बनाया जा सकेगा हस्ट और पुष्ट, यानी कि जो गर्भ में जो बच्चा है, उसका पता लगने पर उसको और हस्ट पुष्ट बनाया जा सकेगा, उसको पोषण और खाद्य पदार्थ अच्छे देने के बाद। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के वाहन टोल से मुक्त। कलेक्टर की ओर से आदेश जारी। अर्थात जो चिकित्सा से संबंधित जो भी वाहन है, उस पर अब टोल नहीं लगेगा, और वह आदेश कलेक्टर की ओर से जारी हुआ है। तो इसी तरह से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और सूचना पाने के लिए हमारे YouTube चैनल LSA लाइफस्टॉक असिस्टेंट को सब्सक्राइब कीजिए, और बाय आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया जाएगा, ताकि कोई नई जानकारी हो तो तुरंत आपको मिल सके। इसे लाइक, कमेंट, शेयर और ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।